वेलकम टू माय चैनल गेट अप एंड कुक। तो आज की मेरी रेसिपी है मशरूम बटर। मशरूम बटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म किया है और उसमें मैंने थोड़ा तेल डाल दिया। तेल जब गर्म हो गया तभी मैं उसमें थोड़ा जीरा ऐड कर रही हूँ। अभी जीरा जब भुन गया है तब मैं उसमें लहसुन डाल दूँगी। लहसुन भुन जाने के बाद में मैं उसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को मैंने बारीक काटा है और इस तरीके से प्याज जब भुन रहा होगा तभी मैं उसमें थोड़ी ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने ये लिक्विड बना लिया था हल्दी मिर्ची और धनिया का, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया मसालों के साथ में और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मुझे इसे सही से भून लेना है, तो यहाँ पर मैं उसे सही तरीके से भून लूँगी, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। वैसे मसाले डालती हूँ तो फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता है, इस तरीके से ऐड करने से फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है मसालों का। तो इस तरीके से मैं उसे भूनने के लिए वेट करूँगी जब वो भून जाएगा। अभी जब वो भुन गया है तभी मैं उसमें थोड़े टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भी मुझे सही से भून लेना है और तब तक भूनना है जब तक कि मसालों में से तेल अलग ना हो जाए। तो इस तरीके से बीच बीच में आप उसे चलाते रहिए। और आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। मैंने पानी ऐड नहीं किया है तो वो अपने आप ही सही से भुन गया है। अभी टमाटर गल चुके हैं और मसाला भी भुन रहा है। यहाँ पर मैंने हिमालय सॉल्ट लिया है, वो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। बीच बीच में थोड़ी देर चलाते रहिए आप, जिससे मसाला लगे नहीं, और इसे धीमी गैस पर ही रखिए। और उसी के साथ में जब मसाला भुन जाएगा तभी मैं उसमें मशरूम जो मैंने काट कर रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसे थोड़ी देर चला दूंगी इस तरीके से। अभी इसी के साथ में मैंने मटर रखी थी वो भी मैंने उसमें ऐड कर दी है और उसे भी मैं मसाले के साथ में इस तरीके से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी उसमें ऐड किया है क्योंकि मशरूम पानी छोड़ेंगे, इसलिए पानी ज़्यादा ऐड नहीं करें और उसे थोड़ी तेज़ गैस पर ही पका लें। मशरूम जल्दी ही पक जाते हैं तो आप उसे थोड़ी देर बाद चेक कर लें। और यहाँ पर मैं इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अभी थोड़ी देर बाद जब मैंने चेक किया तो मशरूम गल चुके हैं, उसी टाइम पर मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। धनिया को इस तरीके से मिक्स कर दिया है और अभी मशरूम की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।